नमस्कार साथियों, मैं महेश आहूजा स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन कम्युनिटी के एफटीआर 3.0 सीरीज में। और यह एफटीआर सीरीज का हमारा भारत के इतिहास का दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सूरत अधिवेशन वाले टॉपिक से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारत के इतिहास का भाग दो। सबसे पहला प्रश्न जो है वह दिख रहा है यहां पर, निम्न में से किसकी स्थापना पहले हुई थी। पूछा गया है कि इन संस्थाओं में से किसकी स्थापना पहले हुई थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और पुणे सार्वजनिक सभा। ये चार संस्थाओं के नाम आपको दिए गए हैं। देखकर ही आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यह कांग्रेस की स्थापना के पहले की संस्थाएं हैं। मतलब कांग्रेस की जो स्थापना 1885 में हुई थी उसके पहले जो क्षेत्रीय लेवल पर क्षेत्रीय नेतृत्व वाली संस्थाएं थी उनके नाम यहां पर दिए गए हैं। और इनमें सबसे पहले किसकी स्थापना होगी ये पूछा गया है। मतलब सीधा सीधा हमको इन चारों के ईयर बताने होंगे, इनके ईयर को जानना जरूरी होगा। तो आइए इसको आसान करने के लिए मैं यहां से शुरुआत करता हूं। देखिए शुरुआत करते हैं बंगाल से। बंगाल के बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र में कौन सी संस्थाएं थी। महाराष्ट्र के बाद हम देखने वाले हैं मद्रास में कौन सी संस्थाएं हैं। देखो यहां पर जो है अगर कांग्रेस की स्थापना के पहले की संस्थाएं पूछता है तो हमेशा वो उनसे संबंधित ईयर को पूछ लेता है, इसीलिए हम यहां पर सारी संस्थाओं को एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। जब बात आती है बंगाल की तो आपको यहां पर 6 संस्थाएं याद रखनी है। जब बात आती है महाराष्ट्र की तो आपको यहां पर 3 संस्थाओं के नाम याद रखने हैं। और जब बात करते हो मद्रास की तो यहां पर 2 संस्थाओं के नाम याद रखना। देखो बंगाल में सबसे पहले याद रखना 1838 वाली संस्था। 1838 के बाद एक संस्था याद रखना 1843। 1843 के बाद है 1839। 1839 के बाद है 1851। 1851 के बाद एक पकड़ना 1875 और 1875 के बाद याद रखना 1876। तो ये 6 संस्थाएं हैं और उनके ईयर मैंने आपको एक साथ बंगाल में जो याद रखने हैं वो लिख दिए हैं। इसके बाद जब आप आओगे महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में आपको 3 संस्थाओं के ईयर याद होने चाहिए। ईयर देखो यहां पर अब सबसे पहले इधर आपका 1851 से जोड़ोगे 1852, फिर याद रखना 1870 और फिर याद रखना 1885। तो ये 3 ईयर आपको महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में याद रखने हैं। और जब मद्रास की बात करोगे तो देखोगे जब बात करेंगे मद्रास की तो मद्रास में जैसे यहां आपको 1851 दिखा, जैसे यहां आपको 1852 दिखा, वैसे ही यहां पर आपको दिखेगा 1852 और जैसे यहां पर आपको 1885 दिखा वैसे ही यहां पर आपको दिखेगा 1884। बस सबसे पहले इन संस्थाओं के क्योंकि ईयर ही एग्जाम में पूछता है इसीलिए ईयर को पहले फोकस कर लो। इधर दिखा 6, इधर दिखा 3 और इधर दिखा आपका 2। हमारा प्रश्न जो है वो यहीं में से निकल कर आएगा। देखो आपको बता दूं 1838 में जो संस्था थी उसका नाम याद रखना लैंड होल्डर सोसाइटी। 1843 में जो संस्था थी उसका नाम याद रखना बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। नाम बता दे रहा हूं, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। 1839 में जो संस्था थी यह संस्था है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। देखो नाम जो है ना वो मिलते जुलते हैं और उसका ईयर भी तकरीबन मिलता जुलता है ना, इसीलिए एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए ध्यान से देखिएगा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के बाद 1851 में जो संस्था है इसका नाम ध्यान रखना, यह जो संस्था है ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी तो याद रखना 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आगे बढ़ेंगे तो 1875 वाली जो संस्था है वो संस्था है इंडियन लीग। याद रखना इंडियन लीग 1875 और 1876 में है इंडियन एसोसिएशन। बस इतना पकड़ लोगे तो प्रश्न आपके बन जाएंगे। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो जमींदारों के लिए संस्था थी वो थी आपका लैंड होल्डर सोसाइटी। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है ना कि लैंड होल्डर सोसाइटी मतलब जो संस्था है वो जमींदारों के लिए है और संस्थापक है द्वारिकानाथ टैगोर। इधर आपका जो दिख रहा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एक जमींदारों के लिए हो गई तो दूसरी किसानों के लिए, पहली वाली जमींदारों के लिए दूसरी वाली किसानों के लिए, और किसानों का हाथ थामा था थॉमसन ने। तो इस संस्था की जो स्थापना करेगा ना वो करेगा थॉमसन और इस संस्था की स्थापना लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना होगी यह द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा होगी। तो देखो 1851 में इधर लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों का मर्ज होगा
और जब दोनों का मर्ज होगा तो जो रिजल्टेंट आएगा ना, रिजल्टेंट वो वाली संस्था होगी आपकी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। नाम पड़ा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1851 में होगी। बंगाल शब्द को निकाल दिया जाएगा क्योंकि यह एक अखिल भारतीय स्तर की संस्था थी, और अखिल भारतीय होने की वजह से बंगाल शब्द निकाल के, याद रखना, BIA मतलब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना होने जा रही है 1851 में, और इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो सचिव के रूप में होने वाले हैं। तो ये हुआ आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब इधर आपको आना है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आते ही सबसे पहले तो ईयर पकड़ना होगा 52, 70 और 85। ईयर को पकड़ने के बाद जैसे यहाँ पे 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन देखे हो, वैसे ही यहाँ पर 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन नाम की संस्था, और इसके संस्थापक होंगे दादा भाई नेहरूजी। याद रखना ना, जैसे 51 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, उसी से इंस्पायर्ड होके 52 में जस्ट बॉम्बे एसोसिएशन, और संस्थापक कौन है तो दादा भाई नेहरूजी। फिर 1870 वाली जो संस्था है, अब इसका भी ध्यान रखना, 1870 में संस्था जो बनेगी वो होगी पूना सार्वजनिक सभा, और ये होंगे महादेव गोविंद रानाडे इसके संस्थापक होंगे। तो पूना सार्वजनिक सभा 1870, और संस्थापक कौन है, महादेव गोविंद रानाडे। फिर 1885 में जब आओगे तब यहाँ पे नाम याद रखना, 1885 की जो संस्था है वो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। नाम सबके मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर लोगे, पहले ईयर को पकड़ लोगे फिर नाम को पकड़ लोगे, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और गलत नहीं लगा पाओगे। तो 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन रहेगी, और इसके संस्थापक भी मैं बता देता हूं। तो इधर मैं लिखा हूं पहले फिरोज शाह मेहता जी, फिर लिखा हूं तैलंग जी, और उसके बाद लिखा है तैयब जी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये महाराष्ट्र की तीन इंपॉर्टेंट संस्थाएं हो गई, एक बंगाल की हो गई ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो एग्जाम जो अभी आपके प्रश्न में पूछा गया है, सबसे पहले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में बताओ। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अभी आप देखे हो कि इसकी स्थापना हुई थी 1851 में, और दो संस्थाओं को मर्ज करके बनाए थे। एक संस्था का नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी, और दूसरे संस्था का नाम था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो ये अभी आप देख चुके हो, संस्था बंगाल की है। फिर दूसरी संस्था है बॉम्बे एसोसिएशन, पहले ही बताया था इसी संस्था से इंस्पायर्ड होके 1852 में एक संस्था बनी थी जो नाम था बॉम्बे एसोसिएशन, और इसकी स्थापना मतलब दादा भाई नेहरूजी। 51 में ये, फिर 52 में ये, अगली मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा के पहले पूना सार्वजनिक सभा बता दूं, अभी देख चुके हैं ना इसकी स्थापना 1870, और स्थापना करने वाले थे महादेव गोविंद रानाडे, ये भी हम देख चुके हैं। तो देखो इस संस्थाओं को ना आप ऐसे याद रखना कि पहले ना ईयर को लिख लेना, और ईयर का बिल्कुल मैच करता हुआ मद्रास का ईयर लिख लेना, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। देखो अब जैसा जैसा हम महाराष्ट्र का ईयर लिखे हैं, वैसा वैसा हम मद्रास का भी ईयर लिखेंगे। इधर 1852, इधर 1885, उसी को यहां पर कॉपी पेस्ट करो। इधर भी 1852, लेकिन 85 की जगह क्या लिखना है, 84। तो इधर जो 1852 में जो संस्था स्थापित हुई, इसका नाम मैं बता देता हूं, इसका नाम है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। नाम याद रखना, मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो 1852 में है, और 1884 में जो सभा है उसका नाम है मद्रास महाजन सभा। नाम पूरा आप लिख लीजिएगा, मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, और 84 में है मद्रास महाजन सभा। तो ये हो गई मद्रास की दो इंपॉर्टेंट संस्थाएं। तो आ जाओ प्रश्न में वापस, और यहां लिखोगे मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना हुई है ये अभी देखे हो ना 1884 में हुई है, जबकि अगर एग्जामिनर बोला मद्रास नेटिव एसोसिएशन तो 1852 लगाना है, और वैसे भी तीनों जगह 1851-52 के आसपास संस्थाएं दिख रही। तो ये हमने यहां पर समझा। मद्रास महाजन सभा के बारे में ये बता दूं कि महाजन और किसानों का जो विद्रोह चल रहा था ना, उसके एवज में महाजनों ने अपनी एक सभा बनाई थी, इसीलिए मद्रास महाजन सभा नाम है। और मद्रास महाजन सभा के संस्थापकों के नाम भी बता दूं, तो एक तो याद रखना राघवचारी, दूसरा याद रखना आनंद, और तीसरा याद रखना अयंगर। तो ये हुए राघवचारी जी, ये हुए आनंद जी, पी आनंद लिखते हैं, और अगला नाम है अय्यर। तो इस तरीके से आपको मद्रास महाजन सभा के संस्थापकों के नाम याद हो गए। चलिए अब देखते, बॉम्बे एसोसिएशन डिस्कस कर चुके थे, दादा भाई नेहरूजी ने स्थापना की, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन डिस्कस कर चुके थे कि राजा राधाकांत देव जो है वो अध्यक्ष रहे, और देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारिका नहीं, द्वारिका लैंड होल्डर में आएगा, और देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो इसके सचिव होने वाले हैं, किसके, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के, और पूना सार्वजनिक सभा जो है रानाडे। चलो अब क्या प्रश्न पूछा देखे, तो बोलता है किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सबसे पहले हुई थी। अगला प्रश्न क्या है पढ़ते हैं पहले, निम्न में से कौन कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हैं,
अब देखो प्रश्न को ठीक तरीके से समझना, निम्न में से कौन जो है वो कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हैं ना कि कांग्रेस से जुड़े हैं, ये तो हो गया प्रश्न का मतलब। एक बोलता है बदरुद्दीन तैयब जी, दूसरा है एओ यूम। तो देखो जब भी मैं बोला हूं कि ऐसा मल्टीपल स्टेटमेंट जैसा कोई भी चीज दिखेगा तो चेक करना ना मेरे को सही छाटना है कि गलत छाटना है। तो दिख रहा है ना कि साफ साफ बोला है कि सही उत्तर चुने, सही उत्तर चुने मतलब कौन कौन से संस्था से जुड़े हुए थे। सबसे पहले बात कर ले कांग्रेस की स्थापना की, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की स्थापना का जो दिन था वो था 28 दिसंबर 1885 का दिन था, और अगर इसका वेन्यू देखोगे तो इसका वेन्यू था बंबई, और बंबई में भी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय में दोपहर के अगर टाइम भी देखोगे ना तो दोपहर को 12 बजे कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो पहला अधिवेशन कहां हुआ था, तो याद रखना पहला अधिवेशन जो है कांग्रेस का वो बंबई में हुआ था, और इसके जो संस्थापक थे वो थे एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जिसका नाम है एओ यूम। तो इनका कनेक्शन जो है वो कांग्रेस की स्थापना से साफ साफ हमको दिखाई देता है। यह भी पूछ सकता है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वह भी बता दूं कि डब्ल्यू सी बैनर्जी जो है वो कांग्रेस के अधिवेशन के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यह भी पूछा जा सकता है कि पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो याद रखना 72 सदस्यों ने भाग लिया था। यह भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना जो है पहला अधिवेशन जो है वो पहले कहां डिसाइड किया गया था, तो पहले पूना में डिसाइड किया गया था और उसके बाद वेन्यू को चेंज करके बंबई किया गया है। ये सारे फैक्ट्स तो हमको भली भांति याद भी होंगे। चलिए अब कांग्रेस से रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करने के बाद एओ यूम के बारे में मैं आपको बता दूं कि एओ यूम को इसीलिए चुना गया था, पहले तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और सन 1885 से पहले 1884 में इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहले ही इन्होंने स्थापना कर दी थी। उसके बाद इधर 1885 में उसी का नाम बदल के इंडियन नेशनल कांग्रेस को रखा गया था। एओ यूम स्कॉटलैंड से संबंधित है, एक ऐसे व्यक्ति जो पहले ही भारतीयों के प्रति प्रेम रखते थे, भारतीयों के प्रति इनका समर्थन था, इनकी सहानुभूति थी, इसीलिए एओ यूम को चुना गया था, जिसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है एलन ऑप्टिकल यूम। तो देखो एओ यूम के बाद अगली बात करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में। तो मैं बता दूं कि ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जो कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में, जो अधिवेशन 1887 में हुआ था और यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था, इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो बदरुद्दीन तैयब जी। तो अगर पूछेगा ना कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, तब आपको बोलना है बदरुद्दीन तैयब जी। तो भाई स्थापना से तो इनका कोई सरोकार नहीं दिख रहा है, तो ये जो है स्थापना से जुड़े हुए नहीं दिख रहे। अगला है दिनकर वाचा जी, देखो इनको दिनशा वाचा भी पढ़ा जाता है। तो दिनशा वाचा की अगर बात करें तो ये भी एक सीनियर व्यक्ति थे, जैसे कि ये क्लोज थे, बहुत क्लोज थे दादा भाई नेहरू जी के क्लोज थे, फिरोज शाह मेहता के क्लोज थे, उनके साथ क्लोज रहकर समाज सुधार के काम करते थे और ये कांग्रेस की स्थापना के लिए भी इन्होंने कार्य किया था। तो मैं बता दूं कि एओ यूम भी स्थापना से जुड़े हुए हैं और दिनकर वाचा भी स्थापना से जुड़े हुए हैं। अगली बात करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में। देखिए कांग्रेस से संबंधित तथ्यों को मैंने आपको बता दिया है और जो भी तथ्य और निकल के आएंगे वो आगे और मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी बात करते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की कहानी ये है कि जो अभी मैंने आपको संस्था बताई थी एक 1875 वाली, फिर से आपको दिखाता हूं, इधर जो आप संस्था देख रहे थे ना 1875 वाली इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन, तो ये जो इंडियन लीग व एसोसिएशन वाली संस्था थी, इस संस्था का गठन करेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और साथ में होंगे आनंद मोहन बोस, पहले ही संस्था का गठन कर चुके हैं। और इनका जो इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था रहेगी ये काफी एक्टिव संस्था रहेगी, मतलब जो पहले लिटन आएगा, लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध करेंगे, आर्म्स एक्ट का विरोध करेंगे, फिर जब रिपन आएगा तो इल्बर्ट बिल विवाद के समय भी ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन संस्था के माध्यम से विरोध करने वाले हैं। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस की स्थापना के पहले ही ना एक राष्ट्रीय उद्देश्य वाली संस्था जो थी वो और कोई नहीं, वो आपका इंडियन एसोसिएशन थी। अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अगर हम और समझें तो देखो सुरेंद्रनाथ बनर्जी मतलब 1883 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ध्यान
इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में स्थापना करेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1883 में। और जब 1885 आया ना, इसी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब 1885 आया, इसका जो दूसरा सेशन था वो इसका कलकत्ता में था, मतलब वही दिसंबर का महीना था और 1885 चल रहा। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपनी संस्था के इस अधिवेशन में व्यस्त थे, इसीलिए वो कांग्रेस की स्थापना में नहीं जा पाए थे और नहीं जुड़ पाए थे। याद रखना, एग्जाम में यही प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा कि निम्न में से कौन सा सदस्य कांग्रेस की स्थापना के समय नहीं था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं था, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी इन लोगों ने कांग्रेस की रूपरेखा को स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया था एओ यूंग के साथ मिलकर। तो हम देख रहे हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस से पहले तो काफी एक्टिव है, लेकिन कांग्रेस की स्थापना में इनका जुड़ाव नहीं है, इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी को हटाओगे। और इस तरीके से आपका जो सही उत्तर निकल के आ रहा है वो आ रहा है एओ यूंग और दिनकर वाचक। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और यह जो प्रश्न है इसमें एक तरफ दिख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और दूसरे तरफ दिख रहे हैं कि उनके अध्यक्ष, और हमको यहां से मैच करना है। पहला तो अभी बता दिया कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और बदरुद्दीन तैयब जी जो है मद्रास में थे, मतलब 1887 में जो थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, मिल गया। चलो पहला अधिवेशन बंबई के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 72 सदस्य इसमें से आए थे। अब देखो जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, अगर इन 72 सदस्यों का भी बाइफरकेशन किया जाए तो 72 सदस्यों में से बंबई प्रेसिडेंसी, क्योंकि अधिवेशन आपका बंबई में हो रहा है, तो बंबई प्रेसिडेंसी से, अकेले बंबई प्रेसिडेंसी से 38 लोग आए थे, ठीक है। बंबई के बाद अगर दूसरी बात करें मद्रास प्रेसिडेंसी से, तो बंबई के बाद अगला जो नंबर था वो मद्रास से था और 21 लोग मद्रास से आए थे, जबकि यूपी वाली प्रेसिडेंसी से 7 लोग आए थे, जबकि कलकत्ता और जबकि पंजाब यहां दोनों से 3-3 लोग आए थे। तो दिख रहा है हमको कि 72 का बाइफरकेशन हमने कर लिया, और क्योंकि यह बंबई में ही हो रहा था ना अधिवेशन, इसीलिए मैक्सिमम सदस्य जो है वो भी कहां से आए थे, तो बंबई से। तो जब बंबई में थे तो पहले जो सदस्य, पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी के बाद देखा गया कि कलकत्ता जो है वो इतना सेंसिटिव एरिया है, कलकत्ता जो है राष्ट्रवादी आंदोलनों का गढ़ माना जाता है, यहीं से आप देखोगे समाज सुधारों की भी शुरुआत हुई थी, यहीं से राजा राम मोहन राय, यहीं से क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, मतलब देख रहे हो ना कि कलकत्ता जो है वो इतना सेंसिटिव एरिया है, फिर भी यहां से इतने कम लोग आए हैं। तो लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, जन आधार को बढ़ाने के लिए इसी अधिवेशन में डिसीजन लिया गया कि अगला जो हमको करना होगा अधिवेशन वो और कोई नहीं, वो हमको करना होगा कलकत्ता में। कम लोग आए हैं ना, तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए, अपने जनमत आधार को बढ़ाने के लिए अगला अधिवेशन कलकत्ता, और यहीं पर जो सदस्य बनाए गए वो वेरी सीनियर पर्सनालिटी बनाए गए, जिनका नाम था दादा भाई नेरोजी। तो याद रखना, पहले पारसी अध्यक्ष, क्योंकि दादा भाई नेरोजी तो रहे, पहले पारसी अध्यक्ष बोलेगा तो दादा भाई नेरोजी, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बोलेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी दिख रहे हैं। तो देखो जो टारगेट था कांग्रेस का, जन आधार को बढ़ाने वाला, वो भी पूरा हो रहा है। हमने ये पाया कि अगर आप इस तरीके से चार्ट बनाओगे तो आपको दिखेगा जो 1885 में जो अधिवेशन हुआ वो हुआ आपका बंबई में, और इसमें कुल 72 लोग प्रस्तुत हुए थे। जब आप 1886 में गए तो अगला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तो जो इनका मोटो था कि जन आधार को बढ़ाना है वो पूरा भी हुआ, और यहाँ कुल 400 से ज्यादा, यानी कि समझ लीजिए 404 लोग आए, किसी किसी किताब में ये 436 भी देखने को मिलता है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 404 लोगों के बाद अगला जो आप देखोगे 1887 की बात करें तो 1887 में यह जो अधिवेशन है ये हुआ था मद्रास में, और इसमें तकरीबन 600 लोग आए हुए थे। देख रहे हो ना कि जन आधार लिटरली बढ़ता जा रहा है। और 1888 में बात करें तो अगले अधिवेशन में लगभग 1200 लोग आ गए थे। तो ये इस तरीके से अगर कांग्रेस का जन आधार देखा जाए तो वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अति सूक्ष्म लोगों का एक ग्रुप कहा था डफरिन ने, और अब देख रहे हैं ना किस तरीके से जनमत आधार जो है कांग्रेस का बढ़ता जा रहा था। और चौथा अधिवेशन जो कांग्रेस का इलाहाबाद में हुआ था, इसमें लगभग 1200 से अधिक लोग आ चुके थे। तो इस तरीके से कांग्रेस भी स्ट्रांग हो रही थी। और यहां बता दूं कि पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने थे जिनका नाम था जॉर्ज यूले। तो ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारे के सारे प्रथम अध्यक्षों के नाम मैंने यहां पर लिख दिए। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाता है, तो यह आपका उत्तर होता है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगले प्रश्न को डिस्कस करते हैं।
किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कहने वाले थे करजन साहब। देखिए करजन के बारे में कुछ बात करें तो 1899 से 1905 तक ये भारत के गवर्नर जनरल बनकर रहे थे। 1905 मतलब बंगाल के विभाजन का एक सबसे विवादित कार्य भी कि देन भी करजन को ही जाता है। करजन जब आ रहे थे भारत तो उस समय कांग्रेस जो है वो काफी उत्साहित थी और कांग्रेस जो है अपने इस गवर्नर जनरल का सम्मान करना चाहती थी, उनका स्वागत करना चाहती। लेकिन करजन जो है उसकी माइंडसेट थोड़ा अलग था, वो साम्राज्यवादी विचारधारा वाला व्यक्ति था और इसीलिए उसने कांग्रेस को कुछ खास महत्व नहीं दिया। मैं आज आपको करजन के द्वारा किए हुए कुछ अन्य कार्य भी बताता हूं। 1899 में जैसे ही आया कलकत्ता नगर पालिका निगम में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम और मनोनीत सदस्यों की संख्या ज्यादा कर दिया। मतलब अगर निर्वाचित की सदस्य संख्या कम करेगा तो जाहिर सी बात है कि करजन का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा और आम जनता का हस्तक्षेप नगर पालिका से कम हो जाएगा। मतलब आते ही सबसे पहले इस तरीके का कार्य करके मैसेज दे दिया ना करजन कि ज्यादा उत्साहित होने वाली बात यहां पर नहीं है करजन का आना। फिर याद रखना करजन उसके बाद 1904 यंग हस्बैंड मिशन भी तिब्बत को भेजा था। ये यंग हस्बैंड मिशन तो यह कार्य भी आप करजन का याद रखिएगा। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि करजन की बात करोगे तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इस तरीके से अधिनियमों को लाकर इसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को ही समाप्त कर दिया था। जो कॉलेज एसोसिएट होते थे, यूनिवर्सिटी के साथ संबंध होते थे, वो जो नियम है उनको मुश्किल कर दिया था, स्वायत्तता को भी खत्म कर दिया था। इसलिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कब लाया गया, तो बोलोगे 1904 और लाने वाला कौन था? करजन। फिर करजन ने यह स्टेटमेंट तो बोला ही है कि मैं शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूं, साथ में कांग्रेस को गंदी चीज भी कहा है। यह भी याद रखिएगा, यह भी पूछ सकता है कि कांग्रेस को गंदी चीज किसने कहा है, तो करजन ने कहा है। दूसरा, कांग्रेस को देशद्रोही पार्टी, याद रखना देशद्रोही पार्टी भी किसने कहा है, तो उसमें भी नाम आना चाहिए करजन का। ये भाई साहब तो जब कांग्रेस का शिष्टमंडल करजन के पास मुलाकात करने के लिए भी जाना चाहता था, उदारवादी दल का वर्चस्व था उस समय, 1905 की बात हो रही है, तो वह भी कांग्रेस से मिलने के लिए तक मना कर देता था। मतलब कोई भी महत्व कांग्रेस का इसके सामने नहीं रह गया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो आप याद रखिएगा, और इसके द्वारा किए गए कुछ कार्य हैं जिसमें से सबसे ज्यादा विवादित कार्य है बंगाल का विभाजन, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्न कथन और संबंधित व्यक्तियों को आपको बताना। तो जाहिर सी बात है कि उदारवादी युग जो है वो 1885 से शुरुआत मानी जाती है और 1905 तक उदारवादियों का वर्चस्व रहा था, ये उदारवादी का वर्चस्व रहा था। तो ये जो 20 साल में इन्होंने जो अपनी P3 पॉलिसी अपनाई, मतलब प्रेयर पेटिशन और प्रोटेस्ट की जो इन्होंने नीति अपनाई, इस नीति के फलस्वरूप इनको कुछ खास सफलता नहीं मिल सकी थी। मतलब जैसा ये चाह रहे थे वैसे वो सफलता नहीं मिल चुकी थी। इनका जो नीति थी उसको P3 पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके तरीके जो है वो संवैधानिक तरीके थे, खुली तरीके से विरोध नहीं करते थे, इसीलिए आप इनको उदारवादी नेता कहते हो। खैर, इनको ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई, 20 साल तक ये जो मांगते रहे, तो अब जो उग्रवादी नेता है वो इनके विरोध में कुछ न कुछ तो कहेंगे, और उन्हीं के कथन यहां पर आपको दिए गए हैं। ये सारे के सारे कथन कांग्रेस के विरोध में कहे गए हैं और आप देख रहे हो भारतीयों के द्वारा ही कहे गए हैं, क्योंकि जो उम्मीद इन भारतीयों को थी वो उम्मीद पर उदारवादी खरे नहीं उतर पाए थे, मतलब कांग्रेस की सारी विचारधारा खरी नहीं उतर पाई थी। तो देखते हैं कि किसने क्या कहा। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिख रहा है वो दिख रहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे। तो देखो इस स्टेटमेंट को अगर ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया जाए तो याद रखने में आसानी होगी। तो देखो पहले बात करते हैं लाल बाल पाल की। तो लाल बाल पाल ने क्या क्या कहा है इस चीज को पहले डिस्कस कर लेते हैं। लाल का मतलब है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय ने एक वार्षिक मेले की संज्ञा दी है, मतलब उन्होंने कहा है कि यह शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला है। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला,
क्योंकि जो लोग इस समय अधिवेशन में आते थे दिसंबर के महीने में साल में एक बार, वह कोई वकील होता था, वह कोई धनी व्यापारी होता था, वह कोई जमींदार होता था, मतलब पढ़े लिखे लोग आते थे। अभी भी समाज के छोटे वर्ग जो है, निचले तबके के लोग हैं, वो इनमें से जुड़ नहीं पाए थे और नहीं जुड़ पाए थे, इसीलिए लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के अधिवेशनों को वार्षिक मेला, शिक्षित लोगों का वार्षिक मेला कहा था। उधर फिर बाल की बात करें, मतलब बाल गंगाधर तिलक की बात करें, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टरटराएंगे तो हमको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि दिसंबर के महीने में साल में एक बार अधिवेशन, और उस अधिवेशन में ही जो प्रस्ताव आते थे, पूरे साल भर ये लोग उन्हीं प्रस्तावों को मांगते रहते थे, समाचार पत्रों के द्वारा, याचना पत्रों के द्वारा, प्रार्थना पत्रों के द्वारा, मतलब इस तरीके से उसी अधिवेशन में जो बाई प्रोडक्ट निकल कर आता था, ये साल भर उसको इन पत्रों के द्वारा मांगते रहते थे। तो इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि साल में एक बार मेंढक के जैसे टरटराओगे तो हमको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। और इसी चीज को ना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछता है, बाल गंगाधर तिलक ने इसी चीज को राजनीतिक भिक्षावृत्ति भी कहा है। देखिए कथनों से जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसने कहा, क्या कहा है, ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको बता रहा हूं। राजनीतिक भिक्षावृत्ति किसने कहा है, तो यह भी याद रखिएगा, यह भी बाल गंगाधर तिलक ने कहा है, क्योंकि इन्हीं की नीति थी, अनुनय विनय और अनुग्रह करने की इन्हीं की नीति थी, प्रेयर करना, पेटिशन देना, प्रोटेस्ट करना, ये इनकी नीति थी, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने इसको राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पाल ने क्या कहा है, तो बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को एक याचना संस्था कहा है। समझ में आ गया होगा आपको कि क्यों इन्होंने कांग्रेस को एक याचना संस्था कहा है। तो आइए देखते हैं, कांग्रेस के लोग पदों के बुखे यहां पर चर्चा करते हैं। यह जो स्टेटमेंट है, ये बंकिम चंद चटर्जी जी का स्टेटमेंट है, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो कांग्रेस वाले हैं, पहले तो मांगते हैं प्रार्थना पत्र से, समाचार पत्र से, याचना पत्रों से, और जब इनको नहीं दिया जाता है तो ये कोई आंदोलन नहीं करते, मतलब कोई विरोध नहीं करते हैं, कोई खिलाफत नहीं करते हैं। तो भाई आप विरोध नहीं कर रहे हो, खिलाफत नहीं कर रहे हो, मतलब आप डर रहे हो, आप डर रहे हो कि आपको पदों से हटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब चटर्जी जी के लफ्जों में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोग और कुछ नहीं है, वो पदों के भूखे हैं, इसीलिए वो लोग विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि इनका सिस्टम ये था कि कोई सक्रिय आंदोलन ये लोग नहीं चलाते थे। तो ये स्टेटमेंट किसका है, तो याद रखना चटर्जी जी का स्टेटमेंट है। तीन दिनों का तमाशा जो है 1897 के अमरावती अधिवेशन की बात है। इस अमरावती अधिवेशन में अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा कहा था। तो यह जो स्टेटमेंट है अश्विनी कुमार दत्त से संबंधित है। वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ऐसा कहने वाले थे लॉर्ड डफरिन साहब। ध्यान रखना, ऐसा क्यों कहा था, ये इस कथन जो है वो लॉर्ड डफरिन साहब का है, क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी तब एओ यूंग को इन्होंने ढाल बनाया था, और तब इनको लग रहा था कि मात्र पहले अधिवेशन में 72 लोग, फिर दूसरे अधिवेशन में आप देख रहे हो लगभग 400, तीसरे अधिवेशन में आप देख रहे हो 600, और चौथे अधिवेशन में 1200, मतलब जिसको वो लोग अति सूक्ष्म कह रहे थे वो इस तरीके से बढ़ते जा रहे थे। पहले तो वो सूक्ष्म कह दिए और बाद में यही डफरिन साहब कांग्रेस के इलाहाबाद के बाद वाले अधिवेशनों में, मतलब 1890 वाले अधिवेशनों में सरकारी लोगों की एंट्री को ही बंद कर दिए थे। मतलब जो संस्था छोटी दिखाई दे रही थी वो धीरे धीरे देखिए किस तरीके से बड़ी होती जा रही थी। तो शुरुआत के समय में डफरिन ने स्टेटमेंट दिया था कि यह जो संस्था है ये अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या क्या है, सूक्ष्म है। तो ये स्टेटमेंट डफरिन का है, और कर्जन के भी सारे स्टेटमेंट मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और यदि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टटकराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। तो मैंने दिखा दिया पदों के बुके हैं चटर्जी, 3 दिन का तमाशा है वो है अश्विनी कुमार दत्त। तो इस तरीके से जो सही आंसर है वो दिखता है, ये है सही आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न राष्ट्रवादी नेताओं पर विचार करें, जैसे कि पहला नाम है के मित्रा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष और पृथ्वी चंद्र रे। अब जैसे ही कथन दिखे नजर यहां डालो कि कौन से इनसे नेता जो है वो उदारवादी नेता है, आपको ये बताना है। तो हम जानते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा जो है वो 2 भागों में बट गई थी सूरत अधिवेशन से, एक तो उदारवादी युग कहलाता है और एक उग्रवादी युग भी कहलाता है। तो पहले तो देख ले कि ये उदारवादी युग कौन सा था। उदारवादी युग अभी मैंने आपको बताया है 1885 से 1905 के जो 20 साल थे ये उदारवादी युग के नाम से जाने जाते। उदारवादी इसलिए थे क्योंकि ये खुलकर विरोध नहीं करते थे, कोई सक्रिय आंदोलन नहीं चलाते थे, अपनी मांगों को संवैधानिक तरीकों से ही प्रस्तुत करते थे, इसीलिए ये उदारवादी कहलाते थे।
इनकी P3 पॉलिसी भी मैं आपको बता चुका हूं। ये ब्रिटिश शासन के न्यायप्रियता में पूरा विश्वास रखते थे, ये अंग्रेजों के अंडर में रहकर ही स्वशासन को प्राप्त करना चाहते थे, और ये ब्रिटिश स्वामी भक्त भी थे। मतलब ब्रिटिश स्वामी भक्त का मतलब है कि ये जो याचना करते थे, ये जो अपना आवेदन लिखते थे, प्रार्थना पत्र लिखते थे, उसमें पहले तो इनकी तारीफ कर देते थे कि आप जो है ऐसे हैं ऐसे, मतलब तारीफ कर देते थे पहले। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ब्रिटिश के स्वामी भक्त भी थे। तो समझोगे ये लोग, ये नेता थे आपके उदारवादी नेता। ठीक है, अब कौन कौन से नेता जो है वो उदारवादी नेता है, बहुत बार एग्जाम में बहुत बार इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए एक्सपीरियंस पर्सनालिटी, जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी, एक सबसे वरिष्ठ नेता थे दादा भाई नौरोजी। और साथ में नाम आना चाहिए गोखले जी का भी, जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु के नाम से जाने जाते हैं। और गोखले के बाद नाम आएगा फिरोज शाह मेहता जी का, ये भी सीनियर है। और इसके साथ साथ हम बात कर चुके हैं दिनशा वाचा के बारे में, ये भी हम थोड़ी देर पहले देख चुके थे कि इनका संबंध भी कांग्रेस की स्थापना से है। उसके बाद दो बेनर्जी को याद रखना, पहले बेनर्जी होंगे सुरेंद्रनाथ बेनर्जी, दूसरे बेनर्जी होंगे WC बेनर्जी। ये दो बेनर्जी को आपको याद रखना है। और उसके बाद एक नाम और बता रहा हूं, जिसका नाम है MG रानाडे साहब, और दूसरे नाम आप याद रखिएगा RC दत्त साहब। तो जो मुख्य शुरुआती जो मुख्य नेता थे, जो उदारवादी नेता थे, इनके नाम मैंने लिख दिए हैं। तो एग्जाम में से किन्हीं भी एक को लेकर आप ऑप्शन में बना सकते हो। चलो अब अगर इसमें देखें तो जैसे कि पृथ्वी चंद्र रे, जैसे कि के मित्रा, अरविंदो घोष जो है वो सबसे पहले तो एलिमिनेट करते बनता है। अरविंदो घोष की बात करें तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत साबित होते हैं। तो या तो अब इन दोनों सही होंगे या तो फिर तीनों सही होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी चंद्र रे भी उदारवादी नेता थे, इन्होंने भी 1903 और 1905 के बीच में सक्रिय रूप से उदारवादी दल में शामिल थे और नरमपंथी विचारधारा को ही प्रमोट करते थे। तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों जो है वो उदारवादी नेता आते हैं। तो देखिए के मित्रा और सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो उत्तर खुद ब खुद बता रहा, ऑप्शंस खुद बता दे रहे हैं। जो एक चीज सोचनी थी वो पृथ्वी चंद्र रे के बारे में हमको सोचनी थी। चलिए अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से संबंधित है, कांग्रेस की स्थिति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले देखो सही बताना है या गलत, तो आपको यहां पर सही को बताना है। चलिए अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट, तिलक, लाला लाजपत राय यानी लाल बालपाल और अरविंद घोष के नेतृत्व वाले उग्रवादी। देखो यहां से एक चीज तो साफ निकल के आती है कि कौन कौन से नेता उग्रवादी थे। तो उग्रवादी तो लाल बालपाल हमको याद है, साथ में अरविंद घोष का भी नाम याद रखिएगा और रास बिहारी बोस का नाम भी यहां पर याद रखिएगा। देखो बता दूं रास बिहारी बोस जो है ये गरम दल से संबंधित है, जबकि रास बिहारी घोष जो है ये जो है नरम दल से संबंधित है, नरमपंथी विचारधारा के समर्थक थे। तो बोस और घोष में कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो बोस है ये गरम दल से यानी उग्रवादी राष्ट्रवादी माने जाते हैं। चलिए यहां पर ये देखने के बाद अब समझते हैं कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन क्या था, इसके कुछ फैक्ट्स हम बाहर निकालते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के लिए सबसे पहले तो कुछ डेट आपको मैं बता दूं। 3 दिसंबर 1903 की एक डेट एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। दूसरा जो डेट है वो 19 जुलाई 1905 की इंपॉर्टेंट डेट है। तीसरी जो डेट है वो है 20 जुलाई 1905 को भी याद रख लेना। फिर आप याद रखना 7 अगस्त 1905 को, ठीक है। और 7 अगस्त 1905 के बाद अगली डेट याद रखिएगा, ये है 16 अक्टूबर 1905। अब ये जो पांचों डेट है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, डायरेक्ट फैक्ट यहां से निकल रहे हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन तो बाद में हुआ, पहले जो हुआ वह था बंगाल का विभाजन। तो बंगाल के विभाजन का ही बाई प्रोडक्ट निकलकर आया स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। 3 दिसंबर 1903 को करजन साहब ने ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव रखा, यहां कुछ नहीं होता था, सब ब्रिटिश वाली संसद में होता, वहां प्रस्ताव रखा कि मैं बंगाल का विभाजन करना चाहता हूं। प्रस्ताव रखा तो पास भी होना था, तो 19 जुलाई 1905 को यह प्रस्ताव पास हुआ। 19 जुलाई 1905 को विभाजन का निर्णय लिया गया और घोषणा की गई 19 जुलाई 1905 को कि बंगाल का विभाजन होगा। तो प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की करजन ने, तो 19 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को भाई अगले दिन तो पेपर में छपना था, तो सार्वजनिक रूप से घोषणा कब हुई, तो वो 20 जुलाई 1905 को यह घोषणा हो गई। जैसे ही यह घोषणा हुई तो एक्शन का रिएक्शन तो मिलना था, तो रिएक्शन है ना आपका स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, और एक्शन है आपका बंगाल का विभाजन। तो ये एक्शन 20 जुलाई 1905 को, रिएक्शन 7 अगस्त 1905 को, यह वो दिन था जिस दिन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई है, इस दिन से यह आंदोलन शुरू हुआ।
कलकत्ता के टाउन हॉल में 70,000-75,000 लोग जो है वो जमा हुए हैं और इस टाउन हॉल में एक विशाल जनसभा जो है आयोजित हुई है। बहुत सारे लोग जो आए हैं और इस सभा में निर्णय लिया गया है कि अब स्वदेशी को अपनाया जाएगा और विदेशी का बहिष्कार किया जाएगा, बॉयकॉट किया जाएगा। इसीलिए इस आंदोलन को आप कहते हो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, तो याद रखना कलकत्ता के टाउन हॉल से। और यह शुरुआत कब हुई थी, तो यह घटना जो है 7 अगस्त 1905 की घटना है। सोचा गया था कि जो ब्रिटिश ने जो निर्णय लिया है, विभाजन का निर्णय लिया है, इस निर्णय को वापस ले लिया जाएगा, जब तक वापस नहीं लिया जाएगा यह आंदोलन किया जाएगा। लेकिन वापस लेना तो बहुत दूर की बात है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया। याद रखिएगा यह भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया, तो 16 अक्टूबर 1905। तो इस तरीके से इस टॉपिक से जुड़े हुए इतने डेट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां भी देखने को मिलता है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है। चलिए ये तो हो गए इसके सारे फैक्ट्स। अब क्या पूछ रहा है कि ये जो उग्रवादी नेता थे, ये जो है आंदोलन को बंगाल के बाहर भी करना चाहते थे। तो देखो हुआ ये कि यहीं से मैं आपको ले जाना चाहता हूं 1905। तो 1905 में ही बनारस में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, बनारस अधिवेशन, और 1906 में एक और अधिवेशन कांग्रेस का हुआ जो कि कलकत्ता में हुआ। ये दोनों ही अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो एग्जाम में पूछ सकता है ना, इसलिए मैं साथ साथ आपको फैक्ट के साथ बता रहा हूं। बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी गोखले साहब ने, और जो आपको दिख रहा है कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता करेंगे दादा भाई नेरोजी साहब। अब गोखले साहब इस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी विचार जो है वो यहाँ पर थोड़े से विरोधाभास दिखाई पड़ता है। नरमपंथी चाह रहे थे कि यह जो आंदोलन है ये बंगाल तक ही सीमित रहे और हम जो है केवल वस्तुओं का बहिष्कार करें, मतलब बंगाल तक सीमित रहना और वस्तुओं का बहिष्कार करना। 1905 अधिवेशन जो कि गोखले बनारस में हुआ था उसकी बात मैं आपको बता रहा हूं। जबकि गर्मपंथी चाह रहे थे कि क्यों बंगाल तक होना चाहिए, बंगाल का विभाजन करके पूरे राष्ट्रवाद की भावना को चोट पहुंचाई है और उसका जवाब तो तभी दिया जाएगा ना जब यह आंदोलन बंगाल में न होके राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना चाहिए, ऐसा मेंटेलिटी था गर्मपंथी लोगों का। उसके बाद ये चाह रहे थे कि खाली वस्तुओं का ही बहिष्कार क्यों, नौकरियां भी त्यागो, स्कूल जाना भी बंद करो, अपनी उपाधियों को भी वापस करो, मतलब इस तरीके का माइंडसेट था गर्मपंथियों का। तो साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि वो बंगाल के बाहर भी इस आंदोलन को फैलाना चाहते थे, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह जो है 1905 बनारस में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा गोखले उसके अध्यक्ष थे। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य को स्वशासन या स्वराज घोषित किया गया है। तो अगर इस स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिखाई देता है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1906 में अभी जो अधिवेशन हुआ है वह कलकत्ता में हुआ है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की है दादा भाई नेहरूजी ने। दादा भाई नेहरूजी ने इसी अधिवेशन में चार मांगे अपनी रखी। देखिए, बंग भंग तो चल ही रहा था, बंग भंग मतलब बंगाल के विभाजन का विरोध करना, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, इसीलिए उस आंदोलन को आप बंग भंग आंदोलन भी कहते हो। तो बंग भंग आंदोलन तो चल ही रहा था, साथ में यहां पर दादा भाई नेहरूजी ने चार चीजों का प्रस्ताव भी पारित हुआ। एक प्रस्ताव था आपका स्वदेशी प्रस्ताव, दूसरा यहां पर स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, तीसरा यहां पर बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ, और बहिष्कार के साथ साथ चौथा यहां पर राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव पारित हुआ है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में या तो चारों प्रस्ताव को पूछ लेगा या तो ये पूछ लेगा कि किस अधिवेशन में यह चार प्रस्ताव पारित हुए थे, तो यह 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में है। पहली बार कांग्रेस की तरफ से या कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग किसने की, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, फिर से सुन लो। पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वशासन की मांग या स्वराज की मांग करने वाले और कोई नहीं होंगे, यह होंगे दादा भाई नेहरूजी। स्वराज का नाम सुनते ही सीधा दिमाग में आता है बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन याद रखना इस चीज को बाल गंगाधर तिलक बाद में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यही उनका फेवरेट शब्द रहा है, यही उनका फेवरेट काम रहा है। जब 1908 में जेल जाएंगे और जब 1914 में वापस आएंगे तब जाके वो स्वशासन को पकड़ के, स्वराज को पकड़ के आगे काम करने वाले हैं। लेकिन उसके भी पहले 1906 में स्वराज की मांग कर दी थी दादा भाई नेहरूजी ने, और वह अधिवेशन था 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चारों जो फैक्ट आप देख रहे हो ना बेहद इंपॉर्टेंट है, और इन चारों प्रस्तावों को भी आप याद रख लीजिएगा। तो यहां से ये स्टेटमेंट जो है कि स्वराज घोषित किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य को, यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही दिखाई देता है और आपको छाटने भी सही स्टेटमेंट ही थे। देखो यहां जाने से पहले ना यहां जरूर देख लेना, इसलिए उत्तर क्या होगा आपका सी। अगला प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान उदारवादियों और उग्रवादियों में, मतलब अब जो बात होगी ना वो कुछ इस तरीके से होगी कि उदारवादी वर्सेस उग्रवादी बात होगी, और
यहां पर इस तरीके से दोनों के बीच में विचारों का विरोधाभास होने की वजह से क्या परिणाम हुआ ये देखते हैं कि बीच जो है वो पहला विभाजन कब हुआ, उदारवादियों उग्रवादियों के बीच जो है वो पहला विभाजन कब हुआ बोल रहा है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ, असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ। तो इसमें तो बहुत सीधा और सिंपल सा प्रश्न है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में ही दोनों दलों के बीच जो है यानी कि कांग्रेस का जो है वो पहला विभाजन हुआ था। आगे भी और भी विभाजन हुए हैं, पहला विभाजन जो है वो सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ था, यानी यह घटना जो है ये 1907 की दिखाई दे रही है। तो देखने वाली बात नहीं, बहुत इजी प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ था। लेकिन इतना पढ़ के नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि आखिर यह विभाजन जो है यह विभाजन क्यों हुआ। तो अभी आपको बताया मैं कि 1905 में जो अधिवेशन आप करवा रहे थे कांग्रेस का वो करवा रहे थे बनारस में, 1906 में जो कांग्रेस का आप अधिवेशन करवा रहे थे वो आप करवा रहे थे कलकत्ता में। अब देखना ना 1907 का जो अधिवेशन है, 1907 का अधिवेशन कहां हुआ था याद रखना, ये हुआ था आपका सूरत में। बनारस वाला अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे गोखले साहब थे, अभी डिस्कस कर लिए। कलकत्ता देखिए, जो विभाजन 1907 में हुआ इसकी जो नींव है ना, इसकी नींव 1905 में पड़ चुकी थी। इसी आंदोलन में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई, प्रस्ताव रखा गया और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई, बंगाल विभाजन का भी विरोध किया गया इसी अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन? तो बनारस अधिवेशन। इसमें एक चीज और भी, इसमें साथ में प्रिंस ऑफ वेल्स का भी स्वागत करने की बात रखी गई। मतलब जैसे कि बताया अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस वाले कर्जन का स्वागत कर रहे थे, कर्जन के पहले ये डफरिन का भी स्वागत कर चुके थे, तो अब प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे हैं, तो ये कांग्रेस वाले यानी कि नरमपंथी उनका भी स्वागत करना चाह रहे हैं। तो गरमपंथी फिर अपोज में आ गए, बोले कि एक तरफ अंग्रेज बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ तुम लोग यहां पर इनका स्वागत करना चाह रहे हो। तो दोनों के बीच में विचारों का मतभेद 1905 के अधिवेशन में दिख रहा था, यहां से नाराज हो गए ये लोग। फिर जब 1906 का अधिवेशन, हालांकि पास तो वही होना था, क्यों? क्योंकि इस समय 1905 के समय तो उदारवादियों का ही वर्चस्व चल रहा है, तो किनकी बात मानी जाएगी? उदारवादियों की ही मानी जाएगी। फिर 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, कलकत्ता अधिवेशन में ये सोचे गरमपंथी कि अगर आदमी हमारा होगा तो हमारी बात भी मानी जाएगी, मतलब हमारा आदमी को अध्यक्ष बनना चाहिए, तो या तो आप तिलक को अध्यक्ष बना दो या तो आप लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बना दो। मतलब उग्रवादी ये चाह रहे हैं कि या तो लाला लाजपत राय अध्यक्ष बन जाए या तो फिर तिलक अध्यक्ष बन जाए। लेकिन यहाँ जो नरमपंथी है, जो उदारवादी है, वो यहाँ पर दादा भाई नेहरूजी को आगे कर देते हैं, क्योंकि दादा भाई नेहरूजी वरिष्ठ व्यक्ति है, सब उनका सम्मान करते हैं, तो दादा भाई नेहरूजी को आगे कर दिया और जो पूरा झड़प था वही वो शांत हो गया। तो इस तरीके से इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनेंगे? दादा भाई नेहरूजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनने वाले। देख रहे हो ना, यहां पर भी इनकी बात नहीं चली, यहां पर भी इनकी बात नहीं चली। अब देखो यहां पर क्या होगा, जो सूरत अधिवेशन, इस समय ना स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, मैं बता दूं ना, इस समय स्वदेशी आंदोलन जो है वो चल रहा है। 5 में तो शुरू किए थे 7 अगस्त 1905 को, और यहां 1906 में भी स्वदेशी आंदोलन चल ही रहा है। ये सब घटनाएं स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही हो रही, ठीक है। 1907 के सूरत अधिवेशन में देखो, पहले जो है इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित किए, अभी बताया, और लास्ट में ये बोल दिया गया अगला जो अधिवेशन है वो नागपुर में होना डिसाइड हो गया, सूरत नहीं नागपुर डिसाइड हुआ। लेकिन अब ये लगने लगा उदारवादियों को कि नागपुर में हो रहा है तो हो सकता है कि यहां पर जो अध्यक्ष है वो तिलक बन सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं हम वेन्यू को चेंज कर दे। तो एन मौके पर ही ये वेन्यू को चेंज कर दिया गया। फिरोज शाह मेहता हो गए, गोखले साहब हो गए, दिनशा वाचा जी हो गए, इन लोगों ने एन मौके पर इस वेन्यू को चेंज करके नागपुर से अगला वेन्यू क्या ला दिया? सूरत ला दिया। क्योंकि कांग्रेस का संविधान ऐसा था कि जो जहां को रिप्रेजेंट करता है ना वो वहां का अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो ये जो है इसी एरिया के थे बाल गंगाधर तिलक जी, तो अगर आप इस एरिया के हो और अधिवेशन यहां हो रहा है तो आप अध्यक्ष नहीं बन सकते हो। तो इस तरीके से सूरत अधिवेशन एन मौके पर वेन्यू चेंज करके नागपुर से कहां किया गया? सूरत किया गया। तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन कहां पर प्रस्तावित था, तो नागपुर में प्रस्तावित था, लेकिन यह अधिवेशन कहां हुआ? तो याद रखना यह अधिवेशन सूरत में हुआ है। तो अब अध्यक्ष बनने को लेकर जो विवाद था नरमपंथियों और गरमपंथियों के बीच में, तो इधर नरमपंथियों के बीच से निकलकर आए थे रास बिहारी घोष, ये अध्यक्ष बनने के लिए एक कैंडिडेट थे, और जो गरमपंथियों के बीच से जो कैंडिडेट अब की बात आ रहे थे वो थे लाला लाजपत राय। और ऊपर से फिर यहां पर जब मदन मोहन मालवीय ने घोषणा की
कि इस समय 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष होंगे रास बिहारी घोष। इस तरीके से पूरे के पूरे अधिवेशन में अराजकता फैल गई और यहीं से 1907 के सूरत अधिवेशन से ही कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसमें नरमपंथी और गरमपंथी इसके दो गुट बढ़ चुके थे। तो आप देख सकते हैं कि 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, तो नाम याद रखना, इनका नाम है रास बिहारी घोष, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे जिसमें इनका विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने वॉइस ऑफ इंडिया नामक अखबार शुरू किया था। वॉइस ऑफ इंडिया नामक अखबार जो है ये 1883 में शुरू हुआ था और यह स्टार्ट हुआ था बॉम्बे में। याद रखना, यह जो है ये बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। तो अगर बात करते हैं बॉम्बे की, तो आपको समझ जाना चाहिए ना कि आंसर जो है वो निकलेगा दादा भाई नरोजी का, क्योंकि इनका संबंध जो है, लाला हरदयाल का तो संबंध जो है वो पंजाब वाले क्षेत्र से है, इसलिए इनका नाम नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा 1883 में वॉइस इंडिया नामक अखबार की जो स्थापना की थी दादा भाई नरोजी, और कब स्थापना की थी तो याद रखना 1883, और उसके बाद 1885 में भी कांग्रेस का जो इंडियन नेशनल यूनियन था उसको नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने में भी जो सुझाव दिया था वो दादा भाई नरोजी ने ही यह सुझाव दिया था। तो इन्हीं कुछ प्रश्नों के साथ मैंने आपको कॉन्सेप्ट को लेते हुए फैक्ट्स को भी बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि आप घर बैठ के अपनी तैयारी पर धार दे रहे होंगे। आशा करता हूं कि यह FTR सीजन, भारत के इतिहास का सीजन, आपको उपयोगी साबित हो रहा होगा और आपकी तैयारी में चार चांद लग रहे होंगे। तो इसी के साथ अगली क्लास में, अगले वीडियो में फिर मिलता हूं कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, जय हिंद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।